नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। आतंकवाद किसी भी देश के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे दुनिया के कई देश डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जब भारतीय सेना लगातार आतंकवादियों पर कायर बनकर टूट रही है, तो वही अफगानिस्तान की फौज ने भी ठान लिया है कि अब तालिबानी आतंकवादियों का खात्मा करके ही दम लेना है और इसके लिए कार्रवाई भी तेज कर दी है। इसी बीच अफगानिस्तान की वायुसेना ने आतंकवादियों पर ऐसी एयर स्ट्राइक की है कि हाहाकार मचा दिया है। दरअसल अफगानिस्तान में जैसे जैसे तालिबान अपनी खून खराब वाली साजिशों को बढ़ाता जा रहा है, वैसे उसका मुकाबला भी अफगान सेना जबरदस्त तरीके से कर रही है। अब खबर है कि अफगान वायुसेना के हमले में 40 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। सोमवार को अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि तालिबान के लड़ाकों पर अफगान वायुसेना की तरफ से कई जगहों पर हमले किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक दक्षिण हेलमंड प्रांत के गर्मसेर जिले में वायुसेना ने तालिबान के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 14 आतंकवादी मारे गए जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों में मवालवी हिजारत भी शामिल है, जो तालिबान सारा केटा और गर्मसेर की रेड यूनिट का डिप्टी कमांडर है। इसके अलावा पश्चिमी निमरोद प्रांत के डेलाराम जिले में हुए हवाई हमले में 20 तालिबानी आतंकी मारे गए जबकि 35 घायल हो गए हैं। यहाँ पर अफगान वायुसेना ने तालिबान के उन ठिकानों पर हमले किए थे जहाँ पर ये आतंकी छिपे थे। अफगान रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वायुसेना ने पूर्वी कपीसा प्रांत के टगब जिले में तालिबान के ठिकानों पर हमले किए थे, जिसमें 6 आतंकवादी मारे गए हैं और करीब 5 अन्य घायल हुए हैं। इन हमलों में तालिबान का काफी मात्रा में गोला बारूद भी बर्बाद हुआ है। वहीं अफगान वायुसेना की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई ने पाकिस्तान के पेट में दर्द कर दिया है और इमरान एंड बाजवा कंपनी बिलबिला गई है। बता दें कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज और नाटो फौज की वापसी शुरू हो चुकी है। अगस्त के अंत तक अमेरिका अपनी पूरी फौज को यहां से निकाल लेगा। अमेरिका की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान ने हमले भी तेज कर दिए हैं। उधर लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने भी अफगानिस्तान में खुलकर तालिबान लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में सरकार के खिलाफ तबाही मचा रहे तालिबानी आतंकवादियों को पाकिस्तानी कैंपों में ट्रेनिंग भी दी जा रही है और खुद पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उनके साथ सक्रिय रूप से मिले हुए हैं। दरअसल अफगानिस्तान में सरकारी सुरक्षा बलों का करीब 20% इलाकों पर ही नियंत्रण रह गया है और तालिबानी लड़ाके ज्यादातर अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले चुके हैं। खबरों के मुताबिक भारत ने भी कंधार में दूतावास से अपने कर्मचारियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। राजनयिक सूत्रों ने कहा है कि अफगानिस्तान के कंधार में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय दूतावास के कुछ कर्मचारियों को निकाल लिया गया है। अभी फिलहाल वाणिज्य दूतावास की आपातकालीन सेवा चालू है। खैर, इतना तो साफ है कि जिस तरह से अफगान सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जो अभियान शुरू किया है, उसने आतंकवादियों के पालने पोषने वालों के बीच भी हड़कंप मचा दिया है। अब देखना यह होगा कि तालिबान और अफगान सेना के बीच छिड़ी है जंग कहां जाकर शांत होती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।